Hi, my name is Tejaswin Shankar. I'm a decathlete. I qualified for the Asian Games in the men's decathlon. Tejaswin Shankar, TJ, is one of India's best decathlon athletes. But there is a story behind why he switched from high jump to decathlon. Before coming to that, TJ was brilliant at the National Interstate Athletics Championship in Bhubaneswar. He had personal bests in three decathlon events, high jump, 2.20 meters, pole vault, 4 meters, and javelin, 52.32 meters under challenging conditions. With a total score of 7,576 points, TJ has also qualified for the Asian Games. In a special chat with NNIS Sports, TJ spoke about why he switched from high jump to decathlon. And it all had to do with his ability to improve timings in most of the decathlon events. नहीं इंडिया में पहली बार कर रहा हूँ बट यूएस में मैंने दो बार किया था हाँ जी तो आप क्या हाई जंप में क्या मतलब छोड़ेंगे तो नहीं मतलब किस में ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि आप ऑलरेडी क्वालिफाइड कर चुके हैं तो मतलब पिछले साल ही कॉमनवेल्थ गेम्स में जब मैंने मेडल लिया था हाई जंप में उसके बाद मैंने एक अपने लिए गोल बनाया था कि डेकैथलन में मुझे एशियन गेम्स और एशियन चैंपियनशिप्स खेलना है और उसमें मेडल लाने की कोशिश करनी है क्योंकि लास्ट ईयर थोड़ा ऐसा था मुझे इंजरीज ये वो हो रहे थे हाई जंप लग नहीं रही थी और मतलब थोड़ा सा अजीब सा ईयर था ऑफ ईयर था मेरे लिए पर्सनली तो मैं कंबाइंड इवेंट्स के लिए डेकैथलन के लिए ट्रेन तब से कर रहा था तो मुझे ये था कि यार इस इवेंट में अगर मुझे ट्रांजिशन करना है और स्कोप बहुत ज़्यादा है जैसे आप देख सकते हैं कि 7500 पॉइंट तो बना है लेकिन उसमें डिस्कस बहुत वीक था लॉन्ग क्या कहते हैं अपना पोल वॉल्ट सिर्फ 4 मीटर था और ये सब बहुत एवरेज परफॉर्मेंसेज हैं और ये इवेंट मेरे लिए बहुत वीक हैं तो इनमें मैं थोड़ा बहुत भी इम्प्रूव कर सकता हूँ हल्का सा अबव एवरेज भी हो सकता तो मेरा कंबाइंड टोटल स्कोर बहुत इंप्रूव हो सकता है और मैं अभी जो हम एशियन लेवल की बात कर रहे हैं वो वर्ल्ड लेवल पे मैं जाके कम्पीट कर सकता हूँ मुझे ऐसा लगे कि अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है उस इवेंट में हाई जंप में मार्जिनल इंप्रूवमेंट्स मिल सकते हैं लेकिन अगर हम वर्ल्ड लेवल पे कम्पीट करना चाहते हैं अगर मेरा सपना है कि मुझे ओलंपिक्स में किसी दिन जाना है तो मुझे ऐसा लगा कि डेकैथलन में चांस ज़्यादा है एक्सपर्टीज़ ज़्यादा है और मार्जिन ज़्यादा है इम्प्रूव करने का तो इसीलिए मैंने उसमें स्विच किया और देखा कि कैसे मैं परफॉर्म कर पा रहा हूँ दैट बीइंग सेड अभी आप अगला सवाल पूछेंगे भाई हाई जंप करोगे या डेकैथलन उसका आंसर यही है कि जब तक अच्छी हाई जंप नहीं होगी तब तक डेकैथलन में अच्छा स्कोर नहीं आएगा सबकी जैसे मैंने बोला एक प्लस होता है माइनस होता है मेरा प्लस हाई जंप है तो अगर मैं 2:20-22 ऐसी बड़ी जंप नहीं लगाऊंगा एक डेकैथलन में क्योंकि मैं 5 मीटर नहीं लगा सकता वॉल्ट में मेरी 4:20 ही लग रही है तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए कहीं ना कहीं तो अपने अच्छा करना है ना तो यहाँ पे अगर मैं अच्छा करता हूँ तभी मेरा बड़ा स्कोर आएगा वाइल आई वर्क ऑन माई वीकनेसेस एंड ब्रिंग दैट अप सो इसीलिए ये रीज़न है कि ये ऊपर से क्वालिफिकेशन कॉम्पिटिशन भी था तो यहाँ पे डेकैथलन मुझे करने का गोल यही था कि डेकैथलन एशियन गेम्स में मुझे करना है और वहाँ पे मेडल लेने के लिए सबसे पहला पड़ाव था इंटरस्टेट जो अब हमने क्रॉस कर लिया है होपफुली अब अगला देखते हैं एशियन चैम्पियनशिप एशियन गेम्स जो भी है तो वो गोल बनाया था मैंने अपने लिए और उसको बस करने के लिए चल रहे हैं आगे TJ explained why competing in Bhubaneswar was such a challenge after coming in from the United States. सर सबसे पहले तो जैसे आपने बोला कि डेकैथलन है उसको हम एक पीस के हिसाब से नहीं देख सकते एक दिन में 5 इवेंट अगले दिन 5 इवेंट है तो काफ़ी बॉडी पे टोल हो जाता है और अब आप चाहे ख़त्म करो ना करो आपका मेडल आए ना आए लेकिन एक जब आप 1500 ख़त्म करते हो लास्ट रेस 2 दिन के बाद आपके अंदर एक ऐसी सेटिस्फेक्शन आती है कि हाँ यार इसके बाद मैं और कुछ दे भी नहीं सकता था मेरे अंदर कुछ था ही नहीं तो यहाँ पे उड़ीसा में भी हर डेकैथलन का एक्सपीरियंस अलग होता है तो यहाँ पे डे 1 शुरुआत से अगर शुरू करें तो मेरे पहले के 2-3 इवेंट में काफ़ी मैं पॉइंट्स यूजुअली गेन करता हूँ बट यहाँ पे मैं कर नहीं पाया क्योंकि मैं यूएस से आया था तो हीट में थोड़ा सा मेरे को यूज़ टू नहीं था यहाँ पे वार्म अप करने में और उन सब चीज़ों में तो मैंने थोड़ा ज़्यादा कर लिया और फिर मेरे को 100 मीटर की रेस करने से पहले ही मेरे नाक से खून आना शुरू हो गया तो ओवर एग्जर्शन हो गया तो मुझे थोड़ा शायद टैक्टिक समझ नहीं आई कि यार करना कैसे क्योंकि इंडिया का अलग है मौसम अलग है तो आप वार्म अप चलते चलते होटल से आते आते ही हो जाता है ऐसा नहीं है कि आपने बहुत कुछ करने की ज़रूरत है तो थोड़े थोड़े एडजस्टमेंट्स मैंने बनाए थ्रू आउट द कॉम्पिटिशन थ्रू आउट द 2 डेज़ और शायद एक खासियत भी डेकैथलन की है कि एक आध गलती से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता बहुत लंबा 2 दिन का सफ़र है तो उसमें वो है कंप्लीट करना है उसको किसी भी तरह तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस था गर्मी बहुत थी बहुत ज़्यादा ह्यूमिड वेदर था तो आई गेस इससे ज़्यादा गर्म मौसम तो मेरे ख्याल दुनिया में कहीं नहीं हो सकता तो अब अगर हमने इसको वो कर लिया है इसमें कम्पीट कर लेते शायद अब हम बुलेट प्रूफ हो गए हैं कहीं पे भी हमें करा दो हम कर सकते हैं इंडिया के डेकैथलीट्स तो वो एक मोटिवेशन है TJ said besides his tough event the weather was a major challenge he has never performed under such heat and humidity मैंने कभी शायद टेम्परेचर सिर्फ देखें तो मिसलीडिंग हो जाता है बट ह्यूमिडिटी फैक्टर भी अगर आप उसको वो करें तो मैंने तो कभी ऐसे कम्पीट किया नहीं आज तक ऐसे वेदर में तो मेरे लिए भी एक पर्सनली एक चैलेंज था कि कैसे उसको नेविगेट किया जाए क्योंकि
जैसे मैंने बोला इंडिविजुअल इवेंट्स में देखिए आवाज़ भी नहीं आ रही, इंडिविजुअल इवेंट्स में क्या होता है कि कभी कभी आपने सुबह एक रेस लगाई, फिर घर गए थोड़ा रेस्ट किया, शाम को एक रेस लगाई, ख़त्म। लेकिन डेकैथलॉन में पूरा दिन आप यहाँ पे हो तो बहुत फटीग होता है, वाटर लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है और पानी का सारा खेल है। अगर आपके शरीर में पानी रहेगा क्रैम्प्स आने शुरू हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें नेविगेट करना होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंटली डेकैथलॉन एक ऐसा इवेंट है, 100 मीटर की रेस ऐसा नहीं है कि भाई 10 सेकंड में ख़त्म हो जाएगा, एक्साइटिंग है, सब लोग आके देखते हैं। टेस्ट मैच की जैसे है, टेस्ट मैच में जितने लोग देखने आते हैं वैसे ही डेकैथलॉन भी देखने 4-5 ही आपको देखेंगे स्टेडियम में। तो वो लोग हैं जो असली में स्पोर्ट को समझते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। तो वो लोग आए, जो भी थे 3-4 लोग थे, डेकैथलॉन को वैसे भी इतना करते नहीं। तो यूजुअली बिकॉज स्पेक्टेटर्स नहीं होते, तो हम जो भी डेकैथलीट साथ में शुरू करते हैं वो एक फैमिली के जैसे बन जाते हैं 2 दिन के उस स्पैन में। तो अभी मैं ये बता रहा था, मेरे को जो सेकंड आए थे यमनदीप, उन्होंने मुझे बताया कि शायद ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो 18 लोगों ने शुरू किया उन सब ने फिनिश भी किया डेकैथलॉन। तो वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इस वेदर में सब लोग डटे रहे और ये था कि भाई करना है ख़त्म। तो वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, आई थिंक एज अ ग्रुप हमने बहुत अच्छा किया और वही है इसमें। TJ spoke about taking tips from pole vault legend Siva Subramani. बिल्कुल सर। और जैसे सबके कुछ स्ट्रॉन्ग इवेंट्स होते हैं, कुछ वीक इवेंट्स होते हैं डेकैथलॉन में, क्योंकि 10 इवेंट हैं सर, सबके हर चीज़ स्ट्रॉन्ग तो हो नहीं सकता। तो जैसे सेकंड जो आए थे यमनदीप, उनका पोल वॉल्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरा हाई जंप बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो सबका अपना अपना एक फोर्टे होता है। तो ओवरऑल अगेन डेकैथलॉन में आप 100 कितना तेज भागते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, रादर आपके सारे 10 इवेंट में कौन किसका स्कोर ज़्यादा एट द एंड ऑफ द डे, वहीं से उसको मेडल मिलता है। तो ऐसे ही नहीं बोलते कि जो ओलंपिक्स में स्टॉकहोम में जो ओलंपिक्स हुए थे उसमें स्वीडन के किंग ने बोला था, जब जिम थॉर्प डेकैथलॉन जीते थे 1912 में, तो उनको जब मेडल पहनाया गया था तो उनको बोले थे कि यू सर आर द ग्रेटेस्ट एथलीट इन द वर्ल्ड। तो तब से अनऑफिशियली जो डेकैथलीट होता है, ओलंपिक चैंपियन बनता है, उसको ग्रेटेस्ट एथलीट इन द वर्ल्ड का खिताब मिलता है। ये आप फैक्ट चेक कर सकते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो क्यों आप पूछेंगे, क्योंकि वो सारी चीज़ें करता है, 10 इवेंट करता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए सबके अपने अपने प्लस एंड माइनसेस होते हैं। शिवा भाई के क्वेश्चन पे मैं वापस आता हूँ, मैं लंबा क्वेश्चन हो गया, शिवा भाई के अगर उसमें आंसर मैं वापस आऊँ तो उनकी हेल्प जो थी, जैसे मेरा वीक इवेंट है पोल वॉल्ट बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे थोड़ी सी भी गाइडेंस, मेरे पास स्ट्रेंथ है, स्पीड है, सारी चीज़ें हैं, तो उसको बस अप्लाई करना नहीं आ रहा था मुझे। तो शिवा भैया का थोड़ा सा जो गाइडेंस मिला उससे ही मेरा पर्सनल बेस्ट हो गया, 20 सेंटीमीटर से मैंने पर्सनल बेस्ट किया, जो जिसने काफ़ी ज़्यादा मेरे जो वीक लिंक्स थे, जैसे कि 100 में थोड़ी स्लो भागा, लॉन्ग जंप थोड़ी कम है, उसको कवर अप कर लिया। और एंड ऑफ द डे गोल था कि भाई 7500 पॉइंट करने हैं क्वालिफाई करने के लिए, तो लास्ट में 7500 पॉइंट शायद इसी बदौलत हुए क्योंकि पोल वॉल्ट में वो 4 मीटर जो लगी। तो हम कलेक्टिवली ही देखा जाता है स्पोर्ट को, आप एक ये नहीं देख सकते भाई उसने गोल तो तुमने इतना लगाया तो ये नहीं लगा, तो यू हैव टू लुक एट इट कलेक्टिवली। तो कलेक्टिवली देखा जाए तो आई थिंक ये स्कोर जो था वो क्वालिफिकेशन मार्क से ऊपर था, तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इस कॉम्पिटिशन में आने का सक्सेसफुल रहा। अब बस अगला गोल ये रहेगा कि जितना पानी लूज़ किया है 2 दिन में पसीने के थ्रू, जो भी चीज़ों के थ्रू, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा खाना खाया जाए, न्यूट्रिशन वापस लेके आ जाए, हाथ पैर में छोटे बहुत दर्द दिए वो होते रहते हैं उन सबको ट्रीटमेंट वगैरह करके अगला जो भी पड़ाव है, एशियन चैंपियनशिप हो, यदि एशियन गेम्स हो, तो उसके लिए रेडी हुआ जाए। तो ऐसा है। कमिंग इन टू द इवेंट TJ वॉज वरीड अबाउट हिज सो एंकल। एक अगर अभी यदि आपको सच्ची बता दूँ, इस डेकैथलॉन में जब मैं उतर गया तो मुझे हाई जंप का ही सबसे ज़्यादा घबराहट थी, क्योंकि मेरा एंकल में थोड़ा सा मेरे को इंस्टेबिलिटी फील हो रहा था, वियर्ड फील हो रहा था, क्योंकि मैं टेक ऑफ ले रहा था, मैं हर चीज़ कर पा रहा था लेकिन लॉन्ग जंप और हाई जंप नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मुझे एंकल में ऐसे अलग से सरब होने का फीलिंग आ रहा था। तो मुझे हाई जंप इवेंट का ही था, तो मैंने ये जब अपना स्कोर, हम कॉम्पिटिशन से पहले एक स्कोर बनाते हैं भाई इसमें इतना इतना, तो 10 इवेंट का एक पॉइंट बना के चलते हैं कि इतना लगभग आएगा तो सही रहेगा। तो मैंने हाई जंप में थोड़ा सा कम डाल के रखा था, 2-10-15 की रेंज में डाला था कि यार बाकी इवेंट में खिंच जाएगा तो हाई जंप में लोड कम आएगा, और अगर यदि नहीं लगी तो कोई बात नहीं, कम से कम एंकल बचा रहेगा। पता लगा मेरी किस्मत ऐसी थी कि बाकी 100-200 लॉन्ग जंप इन इवेंट्स में जो मैं करना चाहता था वो हुआ नहीं, तो अब सारा प्रेशर आया कि भाई हाई जंप अच्छी करनी पड़ेगी, अगर आप हाई जंप अच्छी नहीं करोगे तो आपको क्वालिफाई नहीं हो रहा है। तो फिर धीरे धीरे कॉम्पिटिशन चलता गया, एंकल मेरा ठीक होता गया, मतलब मुझे शायद मैं उसके बारे में सोच नहीं रहा था या जो भी था, इट फेल इन प्लेस। तो फिर वहाँ 2:20 भी लगी जो बहुत अच्छी जंप है, स्पेशली हम कभी देखते हैं कि भैया तुम्हारी बेस्ट तो 229 है तो तुमने यहाँ 228 क्यों नहीं लगाया, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि आप सुबह से कर रहे हो कुछ ना कुछ कर रहे हो, धूप में हो, ये वो है, जब तक हाई जंप आता है तब तक शाम हो जाती है, तो पूरे दिन का फटीक है ना। जब आप इंडिविजुअल इवेंट करते हो, आप सिर्फ उस इवेंट के लिए आते हो, आधा घंटा वार्म अप करते हो, करके जाते हो, तो बॉडी फ्रेश रहती है, रेस्पॉन्स ज़्यादा मिलता है, तो इसलिए हम कंपेयर नहीं कर सकते दोनों चीज़ों को। तो उस एस्पेक्ट से देखा जाए तो 220 की जंप से मैं बहुत सेटिस्फाइड था, वो मेरा डेकैथलॉन में पर्सनल बेस्ट था इनसाइड ओवर डेकैथलॉन। फिर उसके बाद 400 करनी थी जो ठीक लगी 49.2 की, स्पेशली कंसिडरिंग द क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो बस यहाँ से मुझे लगता है कि अगर
कोई ख़राब कंडीशन हो सकते हैं तो वो ये हैं, और इसमें अगर मैं इतना स्कोर कर सकता हूँ तो मुझे ज़रूर लगता है कि अच्छे जब वेदर मिलेगा बाहर, अच्छे कॉम्पिटिशन में या फिर जब एशियन गेम्स जाएंगे वहाँ जाएंगे तो ज़रूर इससे भी और बेहतर स्कोर कर सकते हैं, और वही उम्मीद है। TJ speaks warmly about decathlon athletes and support staff supporting each other, which is why he has dedicated his medal to them. अगर दो दिन के हिसाब से देखेंगे दो दिन है, लेकिन हम जब सुबह 4 बजे से यहाँ पे हैं वार्म कर रहे हैं तो उसके हिसाब से देखें तो 48 घंटे हैं, तो इतने करीब से आप एक दूसरे को जान जाते हो। और फिर उसके बाद जैसे मैंने बोला डेकैथलॉन 100 मीटर नहीं है कि लोग आते हैं देखने ताली बजाते हैं, हम ही एक दूसरे के लिए ताली बजा रहे हैं धूप में, हम ही मर रहे हैं, आपने वीडियो भी ली थी एक, हम एक बेचारा पानी मार रहा है दूसरे के सर में, कह रहा है चलो शाबाश, तो वही 3-4 लोग हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, देखने भी कम लोग आते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा उसके कोचेज होंगे, 4 उसके पेरेंट्स होंगे, मेरी बहन वहाँ पर है, तो वही अपने वही फैमिली के चलते हैं। तो डेकैथलॉन एक ऐसा इवेंट है जो अकेले हो ही नहीं सकता, एक एंटराज चाहिए आपको, एक ग्रुप आपके साथ चलता है, जैसे कि मैं IAS इंस्टीट्यूट जो है JSW इंस्टीट्यूट उससे मैं एफिलिएटेड हूँ, तो उनके जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं महसूस हैं वो अगर मेरे पे दिन रात काम नहीं कर रहे होते, मेरे हिप को लूज़ नहीं कर रहे होते या फिर मेरे एंकल को हेल्प नहीं कर रहे होते, ये सब चीज़ें बिहाइंड द सीन्स चलती हैं जो हम देखते नहीं, हमें देखते हैं भाई आ गया एथलीट और 100 मीटर की दौड़ लगाई उसके बाद वो कॉल रूम में गया अगला लॉन्ग जंप के लिए रेडी हो रहा है, लेकिन उसके बीच में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो रेडी करने के लिए होती हैं, खासकर 2 दिन के दौरान। अब आप देखिए ना कितनी थकान होती होगी, कितना बोझ होगा, तो उस सबको रेडी करके अगले इवेंट में आके आपने पर्सनल बेस्ट करना है, लास्ट में 1500 एक भागनी है, तो उसके पीछे कितना सारा वो एफर्ट लगता है। तो जैसे मेरी बहन थी वो जैसे वाटर बॉय होते हैं, वो मेरी बॉल बॉय थी, पिछले 2 दिन टोपी ओपी लगा के देखो उसको, पूरा वो घूम रही थी कि भैया पानी ये वो लेके चल रही थी हर जगह मेरे साथ वो आई। तो ऐसे बहुत सारे अनस्पोकन लोग हैं जो बीच बीच में आके हेल्प करते हैं और उसके बाद वो करते हैं, तो अकेले खासकर डेकैथलॉन जैसे इवेंट में हो ही नहीं सकता, तो ऐसे छोटे 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 पीसेज जो हैं, तो इसीलिए मुझे लगा कि यार एक अकेले का मेडल तो मेरा था नहीं, क्योंकि आखिरी में अगर हम बिल्कुल एंड में आए कॉम्पिटिशन के तो जैवलिन थ्रो में मैंने पर्सनल बेस्ट किया, उसके बाद मुझे 1500 4:40 के नीचे की लगानी थी, तो मैंने थोड़ा सा अपने वो जो साथ के एथलीट्स हैं उनसे पूछा कि जो बाकी डेकैथलीट्स हैं उनको बोला कि थोड़ा सा यार 4:40 की रेंज, क्योंकि 1500 का सारा खेल पेस का है, अगर आपने एक पेस पकड़ के चलना शुरू किया तो फिर आप धीरे हो गए तो फिर आप पीछे चले जाओगे, 5-6 सेकंड कहाँ चले गए पता ही नहीं लगेंगे, लेकिन अगर आप आगे पकड़ के चले तो फिर आप चलो। तो उनने मुझे बोला कि हाँ यार हम आपको पकड़ के चलेंगे। एक भाई जो थे मोहित वो तो मेरे साथ ही लगे हुए थे कि छोड़ना नहीं है छोड़ना नहीं है मेरे साथ, वो बोलते हुए मेरे को भगा रहे थे कि कंप्लीट करना है, और सारे मेरी पेस में भाग रहे थे, वो अपनी पेस में चाहे तो अपने मेडल देख के भाग सकते थे, लेकिन उनका गोल था कि यार इसको क्वालिफाई कराना है। तो वो असली मेरे मन में एक विन है, और जो ये मैंने दोस्त बनाया इस कॉम्पिटिशन में, और ये जो मैंने एक्सपीरियंस किया, आई थिंक ये हर डेकैथलॉन की एक अलग कहानी होती है, इसकी ये वाली कहानी थी जो मैं बहुत ज़्यादा चेरिश करूँगा जब मैं अपने मेडल को देखूँगा, और मैं ये देखूँगा कि उसमें सिर्फ ये नहीं लिखा है कि भुवनेश्वर उड़ीसा 62nd इंटरस्टेट, उसमें उस हर 18 से 20 बंदे का इंसान का नाम लिखा है जो जो वहाँ पे थे मुझे सपोर्ट कर रहे थे, और बहुत सारे ये भी थे जो YouTube में देख रहे थे तो उन सब का जो सपोर्ट कर रहे थे, तो आई थिंक ये सारी चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं एक मेडल के पीछे जो जाता है ये है। अभी तो मैं बस ये सोच रहा हूँ कि यहाँ से मैं निकलूँ और थोड़ा जाके पानी प्यूनी आइस बाथ और फिजियो वगैरह थोड़ा करूँ, क्योंकि यदि आप देखें टाइमलाइन के हिसाब से एशियन चैम्पियनशिप्स लिटरली एक महीने के अंदर है, तो और खासकर डेकैथलॉन ऐसा इवेंट है कि रिकवर होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो अभी सबसे पहला ये गोल होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी कैसे बढ़ाई जाए, एशियन चैम्पियनशिप के लिए कैसे रेडी हुआ जाए, और वो एक अलग कहानी होगी उसके लिए, और उसके लिए अभी हम प्लान नहीं कर सकते। उसके लिए ये कि भाई अभी ट्रेनिंग एक महीने में कुछ नहीं हो सकती, अब जो हो गया हो गया, अब यह है कि बॉडी को कितना ज़्यादा हम रिकवर कर सकते हैं, जो भी आइस बात मसाज जो भी चीज़ करके अपने आप को रेडी कर सकते हैं उस कॉम्पिटिशन में अपना बेस्ट देने के लिए। तो अगला गोल यही होगा, फोकसिंग ऑन रिकवरी एंड फोकसिंग ऑन गेटिंग रेडी, प्रिपेयर माई सेल्फ मेंटली फिजिकली, तो जो वो है अब बस प्राइम करने की देरी है कि अच्छा तेल डालो गाड़ी में और थोड़ा बस रेडी करो, हल्का सा टेस्ट ड्राइव लेके आ जाओ, ज़्यादा लंबा कुछ करने की जरूरत नहीं। तो वो गोल रहेगा स्पेशली फॉर द नेक्स्ट मंथ, एशियन गेम्स तो अभी दूर है, तो देन वी कैन मेक बिग इंप्रूवमेंट्स इन टेक्निक एंड वट एवर नीड्स टू बी डन, बट अभी छोटे में देखा जाए एशियन चैम्पियनशिप टर्न ओवर बहुत क्विक है, सो गोल विल बी टू जस्ट फोकस ऑन बींग एक्सप्लोसिव फास्ट एंड रिकवरी।